हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट आंसर का, है ना। तो यहाँ पर टग ऑफ वॉर की बात की जा रही है और लिखा हुआ है कि कैन अ टग ऑफ वॉर बी इवन एवर वॉन ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एक काम करते हैं अपन, सबसे पहले नॉर्मली टग ऑफ वॉर कैसे खेला जाता है देखते हैं, जहाँ पर कोफिशेंट है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन है। तो जब फ्रिक्शन होता है तो सपोज करो ये चुन्नू मुन्नू दोनों भाई अपने जो है टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। बीच में एक लाल कलर की रस्सी है, तो रस्सी मान लेते हैं आइडियल है, तो रस्सी तो क्या करेगी, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। कोई कितनी भी जोर से खींचे, रस्सी जो है दोनों पे बराबर टी फोर्स लगाएगी। तो रस्सी का बस चले तो दोनों को बराबर फोर्स लगाए और बीच में ले आए, लेकिन कौन रोक के रखता है, फ्रिक्शन। ये जो मुन्नू है वो क्या करेगा, वो जमीन को आगे की तरफ पुश करेगा थ्रू द एजेंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर पीछे लगेगा, इसको मैं मान लेता हूँ F1 है। और चुन्नू भी क्या करेगा, वो भी जमीन को आगे की तरफ पुश करेगा, ठीक है, मान लेते हैं F2 फोर्स से, और जमीन उसको पीछे की तरफ फोर्स करेगी, पुश करेगी F2 फोर्स से। तो सोचो ये दोनों तो कॉमन है, पर कौन जिताएगा इन लोगों को, F1 और F2। जीतने के लिए क्या चाहिए कि मुन्नू, ये पूरा सिस्टम अगर यहाँ चले जाए तो मुन्नू जीत जाएगा, और अगर पूरा सिस्टम यहाँ चले जाएगा तो चुन्नू जीत जाएगा। तो टी टी तो भाई कैंसिल आउट हो जाएगा अगर पूरे सिस्टम की FBD बनाओ तो, पर कौन है एक्सटर्नल, F1 और F2। F1 बड़ा तो मुन्नू जीतेगा, F2 बड़ा तो चुन्नू जीतेगा, ये समझने की बात है। तो फ्रिक्शन यहाँ पर जो है गेम खेलता है, जिताने में कौन मदद करता है, फ्रिक्शन मदद करता है। अब फ्रिक्शन, अब तो अगर आपको टग ऑफ वॉर जीतना है तो आप रस्सी को तो पकड़ो ही, साथ ही साथ जमीन को भी अच्छा जूता पहन के जोर से ग्रिप पकड़ बना के रखो जमीन पे, तब आप जीतोगे, ठीक है ना भाई। और ऑब्वियसली भाई फ्रिक्शन आदमी के वेट वेट वगैरह पे भी डिपेंड करता है ना भाई। आदमी का वेट जितना ज़्यादा रहेगा उतना फ्रिक्शन लगेगा, तो एक भारी आदमी एक हल्के आदमी को तो आराम से हरा सकता है टग ऑफ वॉर में, है ना भाई। तो हाँ, तो ये नॉर्मल सिचुएशन होती है। अब सोचो यहाँ पर फ्रिक्शन विक्शन तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, अपने को तो क्वेश्चन में यही दिया ना कि फ्रिक्शन नहीं है। तो इस म्यू की वैल्यू क्या है, इस म्यू की वैल्यू है 0। तो इन दोनों चुन्नू मुन्नू पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, एकमात्र टेंशन लगेगा। तो इन लोग जीत सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्या करेंगे, दोनों आ जाएंगे बीचों बीच और अपना सिर फोड़ लेंगे टकरा के, ठीक है ना। कोई ना जीतेगा ना कोई हारेगा, ठीक है, दोनों हार जाएंगे, दोनों बीचों बीच आ जाएंगे, ठीक है। बीचों बीच तो नहीं आएंगे, कहीं पर आएंगे जो, अब वो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वहाँ पर लग जाता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ले देके गेम जीता नहीं जा सकता अगर फिक्शन नहीं है तो, ठीक है, बात खत्म। तो थैंक यू सो मच।